Today we will solve our exercise. Okay, today we will solve our exercise of this chapter. Okay, beta. Now let's see. Yeah, first one is fill in the blank. You study the chapter first. That is fill in. Today we will do our fill in the blanks. Okay, your first is that it is located in the continent. India is located in the continent. In the continent. In which continent, beta? You studied the chapter, na? In which continent the India is located? The India is located in the Asia. Okay, beta. Today's your work is you have to write down the whole continent's name, beta. आपका question है जो India है वो continent जितने भी continents हैं कॉन्टिनेंट में क्या है लोकेट करता है. ओके, तो आज आपका क्या काम है, जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो आपको उन सारे कॉन्टिनेंट्स के क्या लिखने हैं, नेम. गॉट इट बेटा. योर सेकंड इज दैट ए डैश मैप शोस ए डैश मैप शोस शोस various kinds of land, various kinds of landforms of a country, landforms of a country. Who will tell you, beta? जो एक क्या है, जो map है, a dash map shows दिखाता है various जो हमारी landforms होती है ना उनको दिखाता है. As here I want to tell you, here two types of map, that is physical map. Okay, second one is political map. Two types of map you study, political map or the physical map. जो physical map होता है बेटा वो क्या दिखाता है, जो आपका physical map है वो आपके जितने भी country के landforms है, जैसे आपकी country में क्या है, आपके माउंटेन्स हो गए, रिवर माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, तो वो आपकी कंट्री के फिजिकल फीचर्स को शो करता है. ठीक है, तो वो क्या होगा आपका फिजिकल मैप. और पॉलिटिकल मैप जहां पे आप स्टेट, उनकी कैपिटल्स, विलेजेस, सिटीज वगैरह को क्या करते हो, देखते हो, वो उस टाइप का मैप आपका कौन सा होता है, पॉलिटिकल मैप. ओके, तो ये क्या है, ए डैश मैप शोस वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, जो लैंडफॉर्म को शो करता है, इट मींस फिजिकल मैप. क्लियर, समझ में आ गया बेटा? तो ये क्या है, फिजिकल, ए फिजिकल मैप शोस द वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ ए कंट्री. व्हाट इज बेटा, सेकंड क्लियर हो गया. थर्ड क्या, थर्ड आपका कौन सा है, थर्ड इज द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, द पार्ट ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड. जो सदर्न पार्ट होता है आपकी कंट्री का वो क्या होता है बेटा, द सदर्न पार्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड दैट इज पेनिनसुला. क्या होता है बेटा, पेनिनसुला. नो अबाउट द पेनिनसुला.
नोट इट. तो ये क्या होता है, द सदर्न पार्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पेनिनसुला. क्लियर. फोर्थ वन इज ए डैश मैप शोज द स्टेट, द स्टेट सेवन कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं?
सिटी की कैपिटल है मतलब सिटी क्या सिटी वर्ड ना बेटा एक कैपिटल ऑफ सिटी
हम इटली, है ना, पूरी कंट्री का इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे बात है कि सिटी, तो सिटी का मेन ऑफिस क्या होगा, स्टेट। क्लियर, तो कि आपका बहादुरगढ़, आपका बहादुरगढ़ की आपकी कैपिटल अगर कुछ भी नजर बहादुरगढ़ की कैपिटल ही होगी, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो बेटा, आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो झज्जर अगर आपका जिला है तो झज्जर की जो कैपिटल सारे मेन वर्क होते हैं ऑफिशियल वो कहाँ होते हैं, आप कहाँ पे, हरियाणा में झज्जर आता है ना, तो आपका क्या होगा, स्टेट। ओके बेटा, तो इन दिस टू क्वेश्चंस, इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, इफ एनी टाइप ऑफ क्वेरी टू यू, देन यू कैन कमेंट टू मी, यू कैन आस्क मी। गॉट इट बेटा, सो टुडेज योर वर्क इज रिवाइज these questions, okay, tomorrow I will take your test of these questions.